तो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर वीआर ने। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि टेकन 6 की जो वीडियो थी भाई, उस पर कई लोगों की डाउनलोड नहीं हो रही थी फाइल। तो मैं अभी सिंपल सा स्टेप से ही बताऊँगा, जिससे करने के बाद क्या मे बी आपका डाउनलोड हो ही जाएगा। अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा PSP में कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि फ्रेंड्स और कोई चारा नहीं बचा मेरे पास, क्योंकि वही एक चारा बचेगा फिर अगर ये भी आपसे ना हुआ तो। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखो, लास्ट तक देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आपसे थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं करते, ना हमें पैसे मिलते हैं जब तक आप हमारे चैनल को स्पॉन्सर नहीं करेंगे तब तक। तो फ्रेंड्स मैं आगे भी बताऊंगा कि हमें अर्निंग कैसे होती है, कई लोगों को ये भी जानना होता है कि यूट्यूब पर अर्निंग कैसे होती है, कई सारी मेनली प्रॉब्लम्स होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप हमसे पूछेंगे तो। तो बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अगर आप मेरी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी टेकन 6 की तो वो देख लीजिए, उसमें आप पूरा स्टेप समझा रखा है। पर लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था उनसे जो OBB फाइल है, तो कैसे डाउनलोड करना है वो बताता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन है एंड फ़ोन में मेरा 4G नेट कनेक्टेड है, आपके पास 5G है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप एकदम तेज़ हाई स्पीड नेट ले या फिर वाईफाई कनेक्ट कर ले। तो मैं फ्रेंड्स अभी दोनों में से दोनों ले लेता हूँ, मेरा वैसे भी सिग्नल तेज़ है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वाईफाई की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा फ़ोन है सिंपल सा, इसमें एंड्रॉयड 10 है इंस्टॉल, और मैं बता दूँ ये APK एंड्रॉयड 5 के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसे नीचे में यूज़ ना करें, और साथ ही साथ आपके फ़ोन में 1 GB मैक्सिमम 1 GB होनी चाहिए, 512 MB वाले फ़ोनों में ये सपोर्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स आपको आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर पर, फाइल मैनेजर बारे में जहाँ पे भी आपने मेरी फाइल को इंस्टॉल किया है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, मैंने उसमें भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सिंपली जाना है तो यहाँ पर मैं अपनी लिख देता हूँ टेकन 6 की जो गेम है, ठीक है, सॉरी मैं अपनी वेबसाइट पर चला जाता हूँ, सिंपली ज़्यादा पंगा नहीं लेना, सॉरी फ्रेंड्स। तो दोस्तों तो यहाँ से मुझे अपने मतलब जो है कि आपको टेकन 6 की जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है, और कुछ नहीं, वेबसाइट का पंगा नहीं लेना फ्रेंड्स। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सिंपली बता रखा है मैंने कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, उस ऐप को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो फाइल है वो डाउनलोड हो रहा है। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये बीच में रुक जाता है, अब वो क्यों रुकता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने फ़ोन पे जब ये OBB फाइल डाउनलोड हो रही हो, इसको भी मेरे फ्रेंड्स OBB फाइल डाउनलोड हो रही हो, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपनी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिस्प्ले वाले में 30 मिनट्स पे क्लिक करना है, अगर 15 मिनट्स में हो तो 30 मिनट्स पे क्लिक करके रख देना है। और याद रखिए आपका फ़ोन स्लीप मोड पे नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका फ़ोन ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं उसको, आपका फ़ोन में कोई दूसरा एप्लीकेशन चालू नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स मेरा सिर्फ यही एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, और जब भी मैंने ये सेटिंग खोली थी वो, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको सिंपली देखिए 26 MB हो भी चुकी है। तो मैं अपना डाटा लॉस नहीं करना चाहता, वैसे भी इंटरनेट बहुत कम ही मिलता है वैसे भी लॉकडाउन में। तो फ्रेंड्स ये ऐसे आपको पूरी फाइल डाउनलोड कर लेनी है, देखिए फ्रेंड्स अभी भी मेरा डाउनलोड हो रहा होगा, देखिए नहीं हुआ ना, ऐसे अगर आपने ये हटा दिया तो आपका तब भी डाउनलोड नहीं होगा। तो ये स्टेप अगर आपसे हुआ, ये करने के बाद आपका हैनाजन 1% डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपसे तब भी नहीं हुआ तो आपको मैं PSP के लिए दे दूँगा। बात है कि PSP वाली टेकन 6 में और इसमें टेकन 6 में क्या अंतर है, तो फ्रेंड्स बता दूँ कि ये APK फॉर्म में, यानी कि आपको डायरेक्ट इसको प्ले कर पाएंगे, और PSP वाले में पहले आपको PSP ओपन करना है, फिर फाइल में जाना है, फिर फाइल पर क्लिक करके फिर इसको स्टार्ट करना है। और सबसे अच्छी बात ये PSP की ये लगी कि PSP में टेकन 6 400 या 500 MB का है, और जबकि मैं आपको दिखा दूँ टेकन 6 400 MB का है मेरे पास। ये देखिए फ्रेंड्स PSP गोल्ड है मेरे पास, एंड PSP गोल्ड ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ये मेरा जो टेकन वो ड्रैगन बॉजी की गेम थी, देखिए फ्रेंड्स वो तो आपको बता दिया मैंने पिछली वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख ही सकते हैं ड्रैगन बॉजी की वो PSP में मेरे पास पड़ी है टेकन 6 की फाइल। और ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से कि वो जो फाइल है वो कितने MB की है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको PSP में गेम्स के फोल्डर में मैंने डाल के, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कि ये जो है फाइल है वो है
490 MB की, यानी कि टोटल 500 MB की, और जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो अभी है टोटली 816 MB की। तो फ्रेंड्स।